तो जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो मेरा बर्थडे था ना, ये पीयू के पापा ने क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट उड़ाया था इसकी चमकीली, मुझे 6 बार हो गई झाड़ू लगाते लगाते, निकल ही नहीं रही है। हेलो जी राधे राधे, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। और आप सोच रहे हो मैं हमेशा किचन से ही ब्लॉग शुरुआत करती हूँ, नहीं, आज मैंने थोड़ी घर की ना डीपली वाली साफ सफाई करी थी, जो मैंने अभी दही दिखाई है, क्योंकि आप मेरी साफ सफाई वाली वीडियो को लाइक नहीं करते हो, पसंद नहीं करते हो, तो मैंने आज काफी वाली डीप वाली क्लीनिंग करी थी। उसके बाद मैं नहाई हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है ना आप लोग जरूर बताना। और ये है मेरी बिंदी, और इसकी एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें मैंने अपना पूरा मेकअप किया है, वो आप लोग जरूर देख लेना। और आज सब कुछ लहरा दो, हर घर तरंगा लहरा दो, लहरा दो, तो लहरा दो। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कितने साल हो गए हमारी देश को आजाद हुए हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मुझे तो पता है आप लोगों को, देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं। इसके बाद बच्चों को भूख लग रही है, बच्चे तो ऊपर इंजॉय कर रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बाकी मैंने कुछ बनाया नहीं है, एज यूजुअल जो रखा हुआ है हम उसी से कुछ अभी करेंगे। दाल चावल रखे हैं, सब्जी रोटी रखी है, पहले हम इनको फिनिश करेंगे फिर हम कुछ और बनाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं, मैं ना खाना बना के आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। देखो यार मेरी बैंगल्स भी देख लो, लग रही हो ना तिरंगा। चलिए कर लेते हैं दोपहर का लंच। तो हमने क्या किया था, सैंडविच बनाए थे, हाँ हमने आलू की सब्जी के सैंडविच बनाए थे, वो हमने खा लिए हैं। अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाँ दोपहर का लंच, वो भी बना के ऊपर लेके जाऊंगी बच्चों के लिए। तो बस थोड़ी देर में मिलती हूँ। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा बर्थडे 13 को सेलिब्रेट करा था, तो पीयू के पापा ने ये क्या उड़ाते चमकीली सी, भाई साहब इतनी देर हो गई मुझे। पहले तो 13 को लगाई झाड़ू, फिर 14 को लगाई, 14 को फिर शाम को लगाई तब भी चमकीली निकल रही थी, फिर 15 को लगाई आ यानी कि आज तब भी निकल रही थी। मुझे लगता है एक दंत में सोफ़ा निकाल के लगानी पड़ेगी फिर निकलेगी। और बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये ऊपर गए हुए हैं और आज पीयू के पापा हैं नहीं ना, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। एक्चुअली पीयू के पापा के फ्रेंड, वो के खास फ्रेंड है, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई है, तो वहाँ गए हुए हैं। देखो वहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए वहाँ गए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब पीयू के पापा नहीं होते हैं ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। और मेरा ना सुबह से मैंने कुछ नहीं किया था, फिर मैंने सोचा चलो हम YouTube वीडियो बनाते हैं अपनी, तो फिर इंडिपेंडेंस डे की क्यों ना मनाई जाए, इसीलिए फिर मैं रेडी हो गई, तिरंगा वाली चुन्नी ली, अपना रेडी हो गई, खाने जा रहा है। पीयू यहीं खा रही है और मैं भी यहीं खा रही हूँ, क्या क्या लेके बैठ गई हूँ मैं, आलू का पराठा, दाल चावल और ये थोड़ी सी सब्जी है, इसको भी ख़त्म करेंगे, बनता भी है रेडी होना। इसके बाद है ना खाना वगैरह खा के हम लोग ऊपर आ गए थे, एक्चुअली मैं ही आई थी, सभी लोग पहले से ऊपर थे और ऊपर बहुत ज़्यादा वाला म्यूज़िक चल रहा था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुँचेगी, और बहुत ज़्यादा वाले गाने चल रहे थे। और बहुत मज़ा आता है, आज के दिन जब मैं छोटी थी ना, मुझे याद ही नहीं है कि हम लोग क्या करते थे। मतलब मैं तो, मेरा बर्थडे होता था अगले दिन, हम पढ़ रहे वगैरह होते थे, कुछ इसी टाइप का होता था। और जब भी मेरा बर्थडे होता था ना, स्कूल की तरफ से मैं हमेशा कोई ना कोई पार्टिसिपेट मैं ज़रूर करती थी 14 अगस्त पर, क्योंकि 15 अगस्त को तो सभी का हॉलीडे होता था, तो एक दिन पहले मेरा बर्थडे होता था। और मैं कभी तालकटोरा स्टेडियम, कोई ना कोई स्टेडियम जाते थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन और अच्छी अच्छी झांकियों में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और डांस प्रोग्राम में। तो बस मुझे तो यही याद है, आप लोग बताना, मेरे को तो बिल्कुल याद ही नहीं है पतंग उड़ाने का। चलिए आज के दिन भी मेरे को पतंग तो उड़ाने आती नहीं है, बहुत सारी रील्स बनाई थी जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा व्लॉग लेट हो गया है, बट मैं क्या करूँ, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मैं डेली व्लॉग्स, आप लोग कमेंट करके बताइए डेली व्लॉग्स मुझे करने चाहिए या नहीं, या आप लोगों को पसंद है तो मैं डेली डाला करूँगी। इसके बाद पीयू की बुआ, पीयू के ताऊ और बच्चे वगैरह सब लोग इंजॉय कर रहे थे, और हमें बिल्कुल भी पतंग नहीं उड़ानी आ रही थी। तो हम क्या करें क्या करें, ये सोचते सोचते मेरे घर के सामने मेरी फ्रेंड का बेटा ईशान, वो रहता है, तो उसको हमने बुलाया फाइनली, उसने हमारी हेल्प करी। और रियांश बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा मन करता है ये सब एक्टिविटी करने का। भैया ने काफ़ी ट्राई करा बट आती नहीं है, आती तो पीयू के पापा को भी नहीं है, बट उनके फ्रेंड वगैरह आ जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग उनके साथ उड़ा लेते थे। और ये देखो कि ये भैया यहाँ से कन्नी देंगे और ईशान खड़ा है सामने वाले
छज्जे पे, अभी आपको दिखाती हूँ। मतलब यहाँ से कन्नी देखे हम लोग पतंग उड़ा रहे थे कि, और ईशान ने हमें ये वाली एक पतंग दी भी थी कि ये लो आप उड़ा लो, क्योंकि हमने इसकी डोर पकड़ ली थी, लेकिन हमसे उड़ाई नहीं गई। अनाड़ी है हम तो, खिलाड़ी तो कोई और ही होता है भाई जो प्रैक्टिस करता है पतंग उड़ाने की। इसके बाद ये पतंग भी गई और फिर फाइनली ईशान को हमारे घर पर आना पड़ा और उसने उड़ाई। और मतलब हमारा मतलब पोपट हो रहा था बार बार, हमने कहा भाई हमारे बस के काम नहीं है ये तो, ये तो प्रैक्टिस वाले जो घूम के उड़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और ये हमारी पतंग ये ना ये ब्लू पापा। देखा आपने, ईशान आ गया था और ईशान ने मज़ेदार पतंग उड़ाई। रियांश ने तो मतलब बाय चांस उसने हाथ में पतंग ली और एक पतंग काट भी दी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हम लोगों ने तो इस तरीके से सेलिब्रेट करा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इस टाइम पे। लेकिन मैं बैक वॉइस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वही पीछे गाने बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो कॉपीराइट इशू है यूट्यूब पर, आप किसी का गाना यूज़ नहीं कर सकते और थोड़ा सा मांझे वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसके मांझा जो था ना वो देसी था, अच्छा था, उससे हाथ वगैरह नहीं कटता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था पतंग उड़ाने में और रियांश को मैं सिखा रही थी। छोटे बच्चे होते हैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, खासकर लड़के, और मुझे लगता है रियांश एक दो सालों में ज़रूर पतंग उड़ाना सीख जाएगा। बुलंद छू रही है, आसमान छू गई है सिर्फ ईशान की वजह से। पिछले साल भी छू रही थी तारे, छू रही थी, पक्षी उड़ रहे थे, पेपर बंजे में फंस जाते हैं। हाँ क्या पता। और यहाँ पे ये रील बना रही दीदी, मेरा भी नंबर आने तो खुद ही बनाती रहोगी। वाओ, ईशान ने उड़ाना शुरू कर दिया ये रेड वाली काई। ये मैंने वीडियो बना लो है ना। अब ईशान ईशान और रियांश उड़ा रहा है। अरे क्या हो गया? हाँ ऐसे ढीला, वो वाले हाथ को भी ढीला छोड़। अरे ओए उड़ गई उड़ गई उड़ गई हमारी पतंग उड़ गई। और ऐसे करते करते शाम हो गई थी। शाम को इतनी सारी कैंडल लाइट जली, लेकिन मेरा ये मानना है कैंडल लाइट तो बिल्कुल भी नहीं जलानी चाहिए, कैंडल लाइट काइट जो होती है नहीं उड़ानी चाहिए, और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो उसको नहीं उड़ानी चाहिए। एक बार तो मेरे अभी मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो और वो किसी के घर में जाके गिर गई, तो कितनी मिस हैपनिंग हो सकती है। बाय द वे आतिशबाजियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्काई शॉट चल रहे थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो ये जो 15 अगस्त का व्लॉग है ना, मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। इसके बाद फिर से वही, मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था और एक बार और फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद आपको तीज वाले दिन का व्लॉग मैं शेयर करूंगी। तो ये तीज का ही दिन है, सुबह सुबह वही 6 बजे का टाइम था। सबसे पहले उठ के घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करी और छींकें आ रही है क्योंकि आज मौसम ठंडा था, बारिश हुई थी रात को। यहाँ पर मैंने ब्रेड निकाले हैं और मैं आज बच्चों को दूँगी पाव भाजी। और बच्चे ना बहुत रोज़ रोज़ रोटी सब्जी ले जाके बोर हो जाते हैं, तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग देना तो बनता है। और आजकल मेरी लंच वाली वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी लंच वीडियो लेकर आऊँ। आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं किस तरीके का नया नया लंच लेकर आऊँ, कौन कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस यहाँ पे आज ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी जो भी मुझे कमेंट करेगा, एक तो मैं उसका कमेंट अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगी और उनका बताया हुआ लंच भी ज़रूर बनाऊंगी। यहाँ पे ये पाव भाजी है, ये मैंने नहीं बनाई थी, ये नीचे से आई थी, काना की मम्मी ने दी थी, तो ये वही पाव भाजी है। और हाँ, मेरे बच्चे ना पाव नहीं खाते हैं, वो ब्रेड खाते हैं इसके साथ, क्योंकि पाव उनको पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते, उनको ब्रेड अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड अच्छे से अमूल बटर में सेक दिए थे और ये बटर पेपर में रख दिए थे। इसके बाद मैंने और क्या रखा था, हाँ मैंने भीगे हुए क्या कहते हैं अखरोट, हाँ जी बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रियांश नहीं खाता है ये सब चीज़ें, बट मैं कोशिश करती हूँ कि उसे दूँ, एक दिन तो वो खाना सीख ही जाएगा। बाय द वे ओरियो के पिंक वाले बिस्किट दे दिए थे। ये था आज का सिंपल सा लंच, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, फ्रूट लंच ब्रेक में मैं उसको बनाना देती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बनाना से अच्छा फ्रूट कोई भी नहीं होता मेरे ख्याल से। बच्चों अगर रोज़ बनाना खाएं तो बेस्ट है उनके लिए। इसके बाद दोनों बच्चे निकल गए थे स्कूल जाने के लिए। और आज बहुत अच्छा दिन है और बहुत ही प्यारा दिन है। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, मुझे आ रही है नींद। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई, और आज एक बहुत ज़रूरी काम होने वाला है जिसका
मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, और ये जो अचीवमेंट है ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। और मतलब जब मैंने YouTube की जर्नी शुरू करी ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आईं। पहले मैंने मेकअप, पहले आपको पता ही है मेकअप का चैनल मैंने शुरू किया, और जब तक शॉर्ट वीडियो का कोई ऐसा ट्रेंड नहीं चला था तो मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाती थी। फिर उसमें मैंने बीच में व्लॉग डालने स्टार्ट कर दिए, तो वो फिर चैनल मेरा बेकार हो गया। मतलब मेरा मन नहीं करा उस पर वीडियो डालने का। फिर घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वो चैनल मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो अब मेकअप के लिए ना अलग से टाइम निकालना पड़ता था, तो मैं एक नया चैनल बनाती हूँ जो कि है घर से रिलेटेड होगा। उसमें मैं सारी ही चीज़ें डालूँगी जो मैं करती हूँ, जैसे कि अगर मुझे रेडी भी होके जाना है तो गेट रेडी विद में बना लेंगे। मतलब प्रॉपर एक मेकअप की नहीं आएगी, जो मैं नॉर्मली रेडी वगैरह होती हूँ वो सब हम शेयर करेंगे। और हर चीज़ जो मैं खाना बनाती हूँ, घर में काम करती हूँ, घर में किस तरीके से अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ, तो वही। तो जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए ना, तो मैं बहुत 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 खुश हो गई थी। बट वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, मेरे आज 1000 वाला तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। हाँ, लेकिन आज बहुत ही मुद्दतों के बाद, 1.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर, बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद आज मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आप लोगों की हेल्प से, मतलब आप लोगों की मदद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से। तो वही मैंने काउंटडाउन लगा रखा है, दिखाती फ़ोन में स्क्रीन थोड़ी सी चीख नहीं आ रही मेरी। तो ये है PR फैमिली व्लॉग जी, आपने सुन ही लिया होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ। जी हाँ, मेरे 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। काफ़ी टाइम की ये मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने, और मुझे नहीं पता था कि मेरी एक वीडियो जिस जो मैंने ऐसे ही डाल दी थी और उस पर इतने अच्छे व्यू आएंगे। और व्यू तो अच्छे हैं, लेकिन उस पर बुरे बुरे कमेंट बहुत है। बट कोई नहीं, देखो अपनी अपनी ना नज़रिया होता है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि सामने वाले को अप्रिशिएट करे, उसका हौसला बढ़ाए, ना कि उसको बैड कमेंट करके उसका मनोबल तोड़ दे। लेकिन मेरा साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हंसती गाती रहती हूँ और मस्त मौला हूँ। अच्छा कमेंट करते हैं तो अच्छी बात है, बुरा कमेंट करते हैं तो भी अच्छी बात है। और यहाँ पे सफाई करते करते ना मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, कि कब पता चला सफाई करते करते में मेरे वो हो गए 5000 हो गए, क्योंकि मुझे इसका काउंटडाउन मैं देख रही थी और 490 हो गए थे। चाहती थी कि मैं नहा लूँ और उसके बाद मेरे 5000 हो, और मैं फटाफट सफाई कर रही थी। वैसे तो ये जो सब्सक्राइबर है 8 बजे से लेके 2 बजे तक हुए थे, जो मेरे 20 सब्सक्राइबर आई थिंक 20 थे या 10 जो भी बड़े थे। तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट कोई नहीं, 1.5 साल हो गया मैंने जब से यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ। तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत टाइम के बाद मेरा ये मोमेंट आया है जिसको मैं इंजॉय कर सकती हूँ। और मेरा मन था कि बच्चे घर पर होते, बट क्या करूँ, बच्चे स्कूल गए हुए थे, बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था और बहुत ज़्यादा खुश भी होते। हाँ, अगर हमारे 10000 सब्सक्राइबर जल्दी ही होते हैं तो मैं ज़रूर 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 एक छोटा सा केक ज़रूर कट करूँगी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि मम्मी के जल्दी से सब। वो तो कहते हैं 1 मिलियन होएगा मम्मी, मैंने कहा बेटा 1 लाख हो जाए अभी तो वही बहुत है, लेकिन आप 1 मिलियन बोलते रहते हैं। बट ठीक है, बच्चे जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा हो भी जाता है। कई बार सरस्वती मुँह पर बैठी होती है। और ये देखिए सुंदर वाला सूट, ये मेरी मम्मी ने कुर्ती बनाई थी और लेगिंग मेरे पास रखी हुई थी, दुपट्टा मम्मी ने इसके साथ अरेंज कर दिया था। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। तीज के त्यौहार पे मैंने इसको वेयर किया था और थोड़ा सा लूज़ रखवाया था मैंने मम्मी से, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लगती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा लूज़ रखवाया था। इसके बाद सिंपल सा मेकअप कर लिया था, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं लगाया था। और यहाँ पे मैं कड़े पहन रही थी और इतना, मतलब कभी कभी मेरे साथ क्या बताऊँ, मैं कड़े पहन रही थी और सारा टूट गया और मेरे खून भी निकल गया था काफ़ी देर तक मैंने, क्योंकि इसके ना चूड़ी वाले कड़े हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, सारे ही टूट गए। इसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा तेल वगैरह लगाया और ये देखो ये दूसरा भी टूट गया और बहुत ज़्यादा खून भी निकल गया था। इसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा चलो एक एक कड़ा पहन लेते हैं, क्योंकि मेरा काउंटडाउन जो है ना वो निकल ना जाए। और अभी बज गया था 1, हाँ जी 1 बज गया था, और 1 घंटे तक मेरा 1 सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा था। मैं पागलों की तरह वेट करती रही, 1 घंटे तक बैठी रही
तो 1 बजे फिर बच्चों के जस्ट आने से पहले ही एक सब्सक्राइबर बढ़ा था, और या तो मैं तो ये सोच रही थी या तो बढ़ता ही नहीं, बच्चे आते ना जब ही बढ़ना चाहिए था। तो मेरे को काफ़ी देर तक मैं वेट करती रही, बैठी रही बोर हो गई, मतलब एक सब्सक्राइबर नहीं हो रहा था, क्या करूँ यार मैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी मैं आपके लिए, जो आप कहोगे उसी तरीके की वीडियोस लाऊंगी। यहाँ पे बस पीयू के पापा मेरी हेल्प कर रहे थे, और बहुत बड़ा साथ होता है फैमिली का, क्योंकि अगर आपके फैमिली का सपोर्ट ना हो ना तो आप ये कोई भी काम नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, फिर ज़्यादा बोलती हूँ ना नज़र लग जाती है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे हैं और वो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये दिन आज आया है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने एक एक सब्सक्राइब करके मेरे को 5,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाया है। मैं उनका हाथ जोड़ के दिल से, और मेरे पास शब्द नहीं है, वो शब्द ही नहीं है मेरे पास जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। इसके बाद है ना, हमारा सोफ़ा ठीक होना था आज, वो भैया आ गए थे, इसके बाद मैं अंदर आ गई थी, तब भी मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा था। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो से। और ये जो स्पीड है ना वीडियो की, ये 7 गुना मैंने ज़्यादा कर रखी थी, तो आ ही नहीं रहा था सब्सक्राइबर। तो यही मैं बताना चाहती थी कि इतना टाइम हो गया था, इतने 1.5 साल हो गया, मेरा सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़े हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। ये देखिए 5,000 सब्सक्राइबर हो गए सिर्फ आप लोगों की वजह से, तो आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद, और सभी को मेरी तरफ़ से बहुत 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 सारा वाला थैंक यू मेरी तरफ़ से। फ्लैंकिश आई लव यू माई यूट्यूब फैमिली, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब मेरा ना रोना भी निकल गया था, बट मैंने अपने आंसुओं को रोका। नेक्स्ट टाइम मैं अपने आंसू रोकूंगी नहीं और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सबकी वजह से मेरा जो चैनल है उस पर 5,000 सब्सक्राइब हो गए हैं। इसके बाद मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी और बच्चे आ गए थे, और ये देखिए सोफ़ा हमारा, ये वाली सीट, एक ही सीट ठीक कराई है अभी हमने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, टूट गई थी एक्चुअली, और हमने अभी सोफ़ा लिया था, पता नहीं क्या हो गया और ये सीट ख़राब हो गई। हेलो जी, तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे कहीं जाना है, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आप इस कमरे की हालत देखोगे ना तो आप देखते ही रह जाओगे, ये देखो मतलब कितने कपड़े पड़े हैं, मेरे को फोल्ड करने हैं और हर सबके अलमीरा में लगाने हैं। चलो आज ऐसा करते हैं, आज ना मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको इतना बढ़िया मैजिक ना, एक चुटकी में इन सब कपड़ों को मैं तय लगा दूंगी, देखना चाहते हो कैसे, ऐसे ये देखो। मैं खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि इतने में मम्मी का फ़ोन आता है कि मेरी छोटी वाली सिस्टर आई हुई है, तीज है, तो मैंने खाना बनाया, तुम यहीं पे आ जाओ। आज शनिवार था ना, तो काले चने और चावल बनाए थे, आलू के परांठे, आलू गोभी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, गोभी के परांठे, रायता, चटनी, पता नहीं बहुत सारी वैरायटी बना दी थी, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ही गर्मी हो रही है और गर्मी में पूरा हाल। पापा आप भी खा लो खाना, मेरी मम्मी ऐसे ही करती है, जब कोई आता है ना बहुत सारी चीज़ें बना देती है। तो चलिए अब मेरा टाइम है तीज बनाने का, और हमारे यहाँ ना तीज वैसे तो देखो पूजती नहीं है, लेकिन हाँ मेरी सासू माँ ने बताया था कि आज के दिन पक्का खाना बना लो, मतलब त्यौहार हमारे यहाँ पक्का खाना बनने से ही बनता है। तो बस आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, और मेरे को ऐसा लगता है कि सभी के घर ना अलग अलग तरीक़ों से बनती है और अलग अलग कल्चर मायने रखता है, मतलब अलग अलग क्या बताऊँ मैं, वैरायटी अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है हर चीज़। जैसे कि खाना ही ले लो आप, अब मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं तरी वाली, ज़्यादा तरी वाली बनाऊँगी, और हमारे यहाँ पे ऐसी ही खाई जाती है पूरी से, ताकि डाइजेस्ट हो जाए और खाना पच जाए अच्छे से। और हमारे यहाँ पे जैसे पूरी है, मेरे को ना बड़ी बड़ी पूरी बहुत पसंद है, मुझे बड़ी बड़ी पूरी का अच्छी लगती है, तो सभी के घर, किसी के घर छोटी बनती है, बड़ी बनती है, किसी के घर आलू और ये मटर पनीर की सब्ज़ी गाढ़ी गाढ़ी बनती है, हमारे यहाँ तरी वाली ज़्यादा बनती है। तो सभी के घर अलग अलग कल्चर होता है, सभी के घर अलग अलग कल्चर को पूजा जाता है। तो बस यहाँ पे सिंपल सी सब्ज़ी बना दी थी मैंने मटर पनीर की, और अब मैं बनाऊँगी पूरियाँ,
टेस्टी टेस्टी खाना बन के तैयार हो गया था, गर्मा गर्म पूरियाँ। आप लोगों ने क्या क्या बनाया ना तीज पर मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर देना कि मैं इतना लेट वीडियो डाल रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए डेली व्लॉग्स लाऊँ और ज़्यादा पुराने व्लॉग ना शेयर करूँ। बट ये व्लॉग मेरे पास एडिट हुआ हुआ था, फिर मैंने सोचा कि कुछ करना नहीं है, एडिट हुआ हुआ ही है, तो मैं इसको कर देती हूँ बैकवाइज। तो यहाँ पे पहले मैंने भोग लगा दिया था खीर और पूरी का, इसके बाद बच्चों के लिए प्लेटिंग कर दी थी। यहाँ पे रियांश को दिया है और पीहू को, दोनों को खाना दिया है, और बच्चे प्याज नहीं खाते तो मैंने खीरा दे दिया था। इसके बाद पीहू के पापा मेरी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ दो दो मिनट में चाहिए होता है, तो इसीलिए। और आज फिर मैंने बहुत सारी पूरियाँ बनाई और नीचे दी खीर पूरी और रायता नीचे, यानी कि इसके दादू हैं और ताऊ हैं, उन सबको दिया था। सुबह भी है, दोपहर में यूरियांश खा रहे हैं यहाँ पे। मैं घर की वीडियो तो बनाना ही भूल गई, नहीं बनाई थी मैंने, नहीं नहीं बनाई थी। आलू गोभी रायता, हाय हाय मम्मी ने इतना खीर। खेप पूरी तीज निकल गई और मेहंदी अब लग रही है हमारी। एक्चुअली हमने जब पहले वाली तीज बनाई थी ना फ्रेंड सर्कल के साथ, तभी मैंने मेहंदी लगाई थी, तो वो हट नहीं रही थी। फिर मेरी सिस्टर आ गई थी, उसका तो बाएं हाथ का खेल है मेहंदी लगाना, उसने 5 मिनट में दोनों हाथों में मेहंदी लगाती थी, और मुझे एक हाथ में ही 1 घंटा लगता है। तो बस सिस्टर आई हुई थी तो उसने लगा दी मेहंदी दोनों हाथों पर, तो बेसिकली तीज हमारी बन गई अच्छे से। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मनाएंगे आप लोगों के साथ। पीहू ने भी लगवाई थी मेहंदी, इसके बाद मम्मी चली गई थी और मेरी सिस्टर भी चली गई थी, और मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को व्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताना, और दोबारा से थैंक यू आप लोगों का जो आप लोगों ने मेरे को एक एक सब्सक्राइबर करके 5,000 तक पहुँचाया। थैंक यू थैंक यू।